नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। नवरात्रि के बाद दशमी के दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे दुर्गा मां की सैकड़ों प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के बाद गोमती का बुरा हाल देखने को मिलता है। गोमती किनारे ये गंदगी सभी सरकारी विभागों को मुंह चिढ़ाती दिखाई देती है। ऐसे में हमारे संवाददाता कनक मिश्रा झूलेलाल पार्क के पास स्थित गोमती नदी के किनारे पहुंची। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सभी राज्यों में दुर्गा पूजा बहुत ही धूम के साथ मनाई जाती है। 9 दिन माता की प्रतिमा को दुर्गा पंडाल में रखते हैं, उसके बाद 10वें दिन इनको विसर्जित कर दिया जाता है। सरकार अपील करती है जनता से कि जो मूर्तियां हैं वो इको फ्रेंडली ही रखी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता सरकार के मुंह पे खुला तमाचा मार देती है। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, इतनी गंदगी आप देख सकते हैं, ये जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं हमें शर्मसार करता है कि किस तरीके से हम माता की प्रतिमाओं का उनकी निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, किस तरीके से उनको हम एक इस तरीके से इनको हम डाल देते हैं यहाँ पर गड्ढों में, उनको छोड़ जाते हैं। 9 दिन तो हम उनको बहुत अच्छे से रखते हैं, उनको सजाते हैं, उनको हम तैयार करते हैं, उनको हम अच्छे से खिलाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, लेकिन जैसे ही 10वां दिन आता है वैसे ही हम उनको विसर्जित कर देते हैं। बड़े त्योहारों से पहले सरकार तमाम दावे करती है कि नदियों के पानी को गंदा ना किया जाए, इसीलिए वह निश्चित तौर पर फोर्स का गठन भी करती है। इसके अलावा लोगों को शिक्षा भी देती है कि प्लास्टिक की पन्नियों का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन ऐसा मुझे कुछ राजधानी में दिख नहीं रहा है। आपको बता दूँ कि मैं मौजूद हूँ लखनऊ राजधानी में, और इससे पहले मैंने आपको ये सभी दृश्य दिखाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आगे चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ और कुछ दृश्य। ये देखिए, आप कैमरामैन से अपील करूँगी कि उधर की ओर कैमरा करें। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है, इसमें तमाम तरीके के कलश पड़े हुए हैं, इसमें पन्नियाँ पड़ी हुई हैं। सोचिए आप, ये कोई तिरपाल, ये कोई जगह नहीं है कि आप इस गड्ढों में ये तिरपाल डालें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर की पन्नी जो आपको दिख रही है, साथ ही वहाँ पे कलश पड़ा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे कार्ड पड़े हुए हैं जो कि शादियों में आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये शादियों के कार्ड को आप लोग नदियों में क्यों विसर्जित करते हैं, इनको आप रद्दी में भी तो बेच सकते हैं। साथ ही मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो भी धूप बत्ती का डिब्बा इस्तेमाल करते हैं, आप लोग माचिस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो माचिस आप लोग डस्टबिन में फेंकिए और उसकी जो राख बचे उसको आप गमलों में डाल दीजिए। इससे हमारा नदी भी पॉल्यूशन से बचेगा और हम लोग भी सेफ रहेंगे। इसी से गंदगी का अंबार लगता है, इसी से डेंगू और मलेरिया इन तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माता की जो चुनरी उड़ाई जाती है उसको किस तरीके से यहाँ पर सब डाला हुआ है। यहाँ पर चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पर प्लास्टिक के ग्लास पड़े हुए हैं। तो क्या इस तरीके से हमारी जनता को गंदगी मचानी चाहिए? जनता को खुद सोचना चाहिए। सब हमें शर्मसार करता है कि किस तरीके से यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पीला कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे काली पन्नियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें शर्मसार करती है और सरकार के मुँह पर उल्टा तमाचा मारती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ राजधानी में स्थित झूलेलाल पार्क के पास जो गोमती बहती है वहाँ का नज़ारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है, फूल माला इस तरीके से यहाँ पे पन्नियों का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि सरकार कहती आ रही है कि पॉलीथीन्स का यूज़ ना करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटी चप्पल भक्त रख के चले गए हैं, ये इस तरीके से भक्ति दिखा रहे हैं अपनी कि वो माता की गोमती पर टूटी चप्पल रख कर चले गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा किनारे जो ये गंदगी का गोमती किनारे जो ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये फूल पड़े हुए हैं, वो मटके पड़े हुए हैं, साथ ही तमाम तरीके की पॉलीथीन्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो जनता कर रही है वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली है। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है। हम गोमती को स्वच्छता का प्रतीक मानते हैं, सबसे स्वच्छ मानते हैं, सबसे साफ मानते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम ही ने इसे कितनी अपवित्र कर दिया है। आप देख सकते हैं कि नदी का कितना बुरा हाल हुआ है, वहाँ पर लाल कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है,
तो उसमें तमाम तरीके की मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। आपको मैंने इससे पहले दिखाया, आप यहाँ पर ये देखिए, कैमरामैन से मैं कहूँगी कि यहाँ पर दिखाएं, ये देखिए ये अगरबत्ती के जो डिब्बे पड़े हुए हैं, ये धूपबत्ती के। तो मैं आग्रह करती हूँ आप सबसे, अगर आप इसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि इसको कृपया करके डस्टबिन में डालें, इसको आप नदी में ना विसर्जित करें। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये गलता नहीं है, ये कहीं ना कहीं जा करके नदी में अटक जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये JCB है जो गड्ढा पाट रही है। ये वही गड्ढा है जिसमें माता की प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है, उन्हें अंदर डंप कर दिया जाता है। देख रहे हैं आप किस तरीके से JCB गड्ढों को पाट रही है, वो देखिए वहाँ पर अभी देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा जल भराव है, कितना ज़्यादा जल भरा हुआ है। और ऊपर से लकड़ी की जो इको फ्रेंडली जो इस्तेमाल किया गया था मूर्तियों में, वो दिख रही है आपको, उसको पाट दिया जाएगा। इस प्रकार सभी गड्ढों को पाट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसके अंदर जा कर के दब जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये हार्म कर रही हैं हमें। आपको मैं बता दूं कि नदी किनारे यहाँ पर कपड़ा धोने वाले लोग यहाँ कपड़े धोते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस गंदगी का सामना वो किस प्रकार करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष। संतोष जी, बताइए कि जब आप यहाँ पर रहते हैं, और मुझे लगता है कि आए दिन आप लोग यहीं पर रहते होंगे, तो आप लोग यहाँ पर जो कपड़े वपड़े धो रहे होते हैं, तो उसके बाद ये लोग जो गंदगी फैला के जाते हैं, फूल माला पन्नी इन सबको फेंक के जाते हैं, तो इससे आपको कितनी समस्या आती है? यह का बहुत गंदगी होती है, हम लोग सब देखते हैं और मना भी करते हैं, तो कहते हैं उल्टा सीधा मतलब बात करते हैं। अच्छा, तो फिर कहते हैं कि तुम्हारा क्या, तुम लोग कपड़े धो रहे हो, हम लोग कहते हैं भाई हम लोग साफ सफाई करते हैं। तो यहाँ की साफ सफाई आप ही लोग करते हैं? हम लोग करते हैं भाई, ये फूल माला सब गंदगी अन्नी पन्नी फेंक जाते हैं, हम लोग उठा उठा के सब आगे कूड़े में डलवा देते हैं। अच्छा, और नगर निगम क्या कर रहा है, वो आता है कभी? नगर निगम आता है तो डस्टबिन में भर के ले जाता है। अच्छा, आप लोग साफ करते हैं तो भर के ले जाता है। अच्छा, और यहाँ पर क्या कोई शौच वौच करने भी आता है? शौच यही कि जो हनुमान, हर नदी किनारे देखा है कि कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो आ करके कर जाता है, तो क्या इस प्रकार की चीजें यहाँ पर भी होती हैं? यहाँ पे होती है, मगर हम लोग जिस टाइम पे आते हैं सुबह 5 बजे, तो उन लोगों को यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम नहीं करने देते। अच्छा, आप लोग मना कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर लोगों से बात करी, यहाँ के रहने वालों से जो कपड़े वपड़े धोते हैं, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि नगर निगम भी आता है तो ये जो कूड़ा बटोर के रखते हैं उसको ले जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम की भी लापरवाही है। नगर निगम को भी ये जो गंदा दृश्य है वो कहीं ना कहीं मुंह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि अपनी सर पर ये लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं? मैं आपको बता दूँ कि ये लकड़ियाँ दुर्गा माँ की प्रतिमा में से निकली है। आप ये लकड़ियाँ ले जाके क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। खाना बनाएंगे, यही रहते हैं आप जी? अच्छा, क्या नाम है आपका? लाडो। जैसा कि देख सकते हैं आप कि इतना भारी बम इन्होंने सर पर उठा रखा है, और इसको लेकर जाएंगे और ये खाना बनाएंगे। सभी को झूले लाल पार्क के पास जो गोमती बहती है उसका दृश्य दिखाया, वो दृश्य काफ़ी शर्मनाक था। आप देख सकते थे वहाँ पर कितनी गंदगी पड़ी थी, कितनी प्लास्टिक की पन्नियाँ पड़ी थी, जबकि सरकार लगातार इस पर मना करती आ रही है कि जो पॉलिथीन्स हैं प्लास्टिक की, उनका इस्तेमाल ना किया जाए, और वो लोगों को शिक्षित भी करती आ रही है। लेकिन ये सब सरकार की जो व्यवस्था है वो मुझे फेल होती दिख रही है, और सरासर जो प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है कि स्वच्छ भारत अभियान, कहीं ना कहीं उस पर भी एक खुला तमाचा है जनता का। और आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये लोहे का जो ये बैरियर टाइप का लगा हुआ है, इसके पीछे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, इधर वाल कितने फूल पड़े हुए हैं, कितनी गंदगी पड़ी हुई है, ये सब यहाँ हनुमान सेतु जो मंदिर है उसके अंदर जो सारी चीज़ें उड़ाई जाती हैं, और जो भी फूल माला या जो भी सामान आता है, जो सारी सामग्री होती है, उस सब को वो लोग यहीं पे फेंक देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी आ रही है, इन्हीं गंदगियों में मच्छर पनपते हैं, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, उसके बाद हम सब बीमार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब बीमारियों की जो वजह है वो हम इंसान ही, हम इंसान ही गलतियाँ करते हैं, उसके बाद उसका पश्चाताप हम खुद ही करते हैं। हम भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लेकर आते हैं,
उसके बाद हम उन्हें चढ़ाते भी हैं, उसके बाद उसका हम क्या हासिल करते हैं, आप देख सक रहे हैं कि कितनी पन्नियाँ, कितना कूड़ा और कितनी गंदगी पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये हमें शर्मसार करता है कि हम इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही बेकार सा मतलब मंजर है। ये देख करके जी चाहता है कि लोगों से ये कह दूं कि आप पूजा ही ना करें, या करें तो उसको अच्छे से करें, इस तरीके से करें कि हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण भी अच्छे से रहे, वो भी दूषित ना हो और सारी अच्छे से चीज़ें व्यवस्था बनी रहे। आप पूजा पाठ भी करिए, मन भी लगाइए, लेकिन गंदगी भी ना फैलाइए। तो ऐसे ही तमाम रियलिटी चेक्स प्रोग्राम देखने के लिए बने रहिए कैमरामैन दीपक के साथ। मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।